हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहसुन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये मैं बिल्कुल साबुत लहसुन से बनाने वाली हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से सब्जी बनाने वाली हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये लहसुन की कलियाँ ले ली है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं। और साथ में एक मैंने अलग सा बर्तन ले लिया है, को भी बोल ले सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, तो यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसके बाद ये जो हमने लहसुन ले रखा है ये इसमें डाल देंगे, ताकि जो लहसुन है हमारी सॉफ्ट हो जाए, जो इसके ऊपर छिलके हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो 5 मिनट के करीब इसे बॉयल भी कर सकते हैं। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट इसे हम पानी में ही रखेंगे, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इसे मैं 5 मिनट के करीब इसी तरीके से कवर करके रख देती हूँ, ताकि हमारे जो लहसुन है वो अच्छे से तैयार हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बोल, और इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पर ये ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, जिसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिसकी वजह से जो ये मिर्च है फूल जाएगी और इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, पानी डालने से इसका कलर थोड़ा बढ़ गया है। और अब इसमें हम डाल लेते हैं बाकी सारी चीज़ें, तो इसे पहले हम 1 मिनट अच्छे से मिला लेंगे, ताकि पानी में अच्छे से घुल जाइए। मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच के करीब दही, तो बिल्कुल ये खट्टी दही लेनी है यहाँ पर। और दही को भी अच्छे से मिला देते हैं। दही को मिक्स करने के बाद इसमें अब डाल देंगे और सूखे मसाले, तो 2 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पर ये मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। इसके साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ में डाल देंगे गरम मसाला, तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। और अच्छे से मिला देंगे पूरे मसाले को, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गया मसाला। तो इस तरीके से मसाला मिलाने से मसाले का कलर बहुत अच्छा आता है, मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। तो जब भी मसाले का यूज़ करें तो पानी में इस तरीके से घोल के करेंगे, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो मसाला यहाँ पर तैयार हो गया है, और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और साथ में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तो ये भी इसमें डाल देंगे, जैसे कि सब्जी हमारी और भी टेस्टी बन जाएगी। तो ये मसाले में ही मिला देते हैं, बाद में हम अलग से और धनिया यूज़ करेंगे। और जो हमने लहसुन रखे थे वो भी अच्छे से फूल गए हैं, और जो इसका छिलका है ऊपर से सॉफ्ट हो चुका है। तो लहसुन भी हमारे तैयार हो गए हैं, तो इसे निकाल लेते हैं पानी से। तो सभी लहसुन को यहाँ पर मैं पानी से निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर जो लहसुन है ये गर्म होता है, तो आप एक फैमिली मेम्बर के लिए केवल 1 लहसुन की गांठ ले सकते हैं। अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हैं तो इसमें लहसुन की जगह पर आप पनीर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं। तो ये मैंने पानी से निकाल दिए हैं, और अब गैस पे रखी है मैंने कढ़ाई। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं ये, पहले बहुत ही ज़्यादा ये सूखे सूखे से लग रहे थे, लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये पानी को हम हटा देते हैं, और गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें डाल लेते हैं तेल। तो यहाँ पर मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने सरसों तेल डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि यहाँ पर जो हमने लहसुन ली है उन्हें फ्राई करना है पहले। तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे, और तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, और जो ये लहसुन हमने निकाल के रखे हैं ये डाल देंगे तेल में। और यहाँ पर सभी लहसुन को फ्राई कर लेना है गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक इन्हें फ्राई करेंगे, इससे कि लहसुन हमारे अंदर से अच्छे से पक जाएंगे, बाद में इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमारे लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसके बाद इन्हें हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से, और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम इसे फ्राई करते हुए निकाल लेते हैं कढ़ाई में, अगर आपने और ज़्यादा डाले हुए हैं तो दोबारा से इसे सेकंड बैच में फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद सेम कढ़ाई में हम मसाला तैयार करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो तेल को यहाँ पर निकाल सकते हैं। और सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब जीरा, तो तेल पहले से ही गर्म है, केवल हमें जीरा डालना है। जीरे के साथ यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज भी डाल दिए हैं, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे, प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, कलर चेंज होने तक,
इसके बाद डालेंगे मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, दही वाला मसाला, और इसे डाल देंगे। साथ में बोल में थोड़ा सा पानी और मिलाकर वो भी डाल देंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से हम कढ़ाई में डाल सकें और अच्छे से भून जाए। थोड़ा सा पानी डालने से मसाला अच्छे से भून भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिला देती हूँ और मीडियम रखते हुए गैस के फ्लेम को मसाले को भून लेंगे, और जैसे जैसे मसाले को भूनते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आता जाएगा। तो यहाँ पर मसाले को मैं भून लेती हूँ और बीच बीच में से इस तरीके से हम चला लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया यहाँ पर मसाले का, और यहाँ पर ये मसाला हमारा बिल्कुल भून के तैयार है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना मटर के भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा कप के करीब ये मटर डाल देती हूँ, और 2 मिनट के करीब हम मटर के साथ भी मसाले को भून लेंगे, जिससे कि मटर भी बहुत अच्छे से भून जाएंगे। मटर को भी मैंने यहाँ पर 2 मिनट के करीब भून लिया है और मसाला और अच्छे से भून चुका है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, ये लहसुन इसमें डाल देते हैं। लहसुन हमारे 60-70% तो पहले ही पक चुके हैं, थोड़े बहुत जो रह गया है इसमें पक जाएंगे। तो इसे मैं 2 मिनट के करीब भून लेती हूँ लहसुन को भी, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जैसी भी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, पहले से अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है इसमें। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसके बाद इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे मिला दिया है और इसे कवर करके दो मिनट पका लेते हैं, फिर इसके बाद चला के 2 मिनट पकाएंगे। तो 4-5 मिनट टोटल से पकाना है, और ये मैंने कर दिया है कवर। तो बॉयल आ गया है इसमें, तो बीच में हम 2 मिनट के बाद इसे चला लेंगे ताकि सब्जी जो है हमारी जले नहीं। और यहाँ पर 4-5 मिनट हो गए हैं और ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हमारी लहसुन की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, और इस सब्जी को आप रोटी पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसे खाना किस तरीके से है, क्योंकि हमने छिलके के साथ ही लहसुन को पकाया हुआ है। तो हम रोटी का एक बाइट लेंगे, लहसुन में से एक कली निकालेंगे, और इसका जो अंदर का पल्प है लहसुन का वो निकाल लेंगे, तुरंत ही निकल जाएगा, क्योंकि जिसका छिलका है बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। आप जैसे छुएंगे वैसे इसका छिलका अलग हो जाएगा और इसका पल्प अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आप इस सब्जी को सर्दियों में बना सकते हैं, गर्मियों में ना बनाएं सब्जी को, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। तो इसकी जगह पे आलू या पनीर यूज़ कर सकते हैं, सेम सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा। तो इसे मैंने कर लिया है सर्व, और देख सकते हैं कितना प्यारा सा टेक्सचर आया सब्जी का हमारे। तो ये तैयार है हमारी लहसुन की सब्जी। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और मैं दिखाती हूँ कि इसका पल्प कितनी आसानी से निकल जाता है। एक कली हम लहसुन की पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी सब्जी काफ़ी गर्म है, तो स्पून से ही मैं यहाँ पर एक कली लहसुन की निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लहसुन की कली मैंने इस तरीके से निकाल ली है, और ये देखिए, और हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसकी जो अंदर का पल्प है वो बाहर आ जाएगा, ये देखिए। तो इसे आप ग्रेवी में मिला के रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से लहसुन की सब्जी, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।